गाइस आप सभी का स्वागत है ब्रांड न्यू एपिसोड क्राइम गेमिंग की पहली वीडियो पर। मेरा नाम है सार्थक, जिसकी आवाज आपको क्राइम गेमिंग पर कभी कभार सुनने मिलेगी। और क्राइम गेमिंग की पहली वीडियो पर मैं आपके लिए ला रहा हूँ हाउ टू सर्वाइव ज़ॉम्बी डार्केस्ट नाइट का फुल प्रूफ मास्टर प्लान। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप हर एक ज़ॉम्बी डार्केस्ट नाइट का मैच आसानी से जीत सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी हेल्थ डैमेज। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा आज का ज़ॉम्बी डार्केस्ट नाइट। सबसे पहली जो ट्रिक है वो इस मिस्ट्री हाउस में जो है पोचिंकी में, यहाँ पर आके आपको फर्स्ट फ्लोर पे आना है। फर्स्ट फ्लोर पे आके आपको इस वाली विंडो से बाहर जंप करना है। देखिए मैं जंप करूँगा, 1 2 3 जंप करके आपको क्राउच डाउन करके बैठे रहना है। यहाँ से आप अपने वेपन्स यूज़ कर सकते हैं, वेपन्स यूज़ करने जाते हैं रीलोड करें, हीलिंग आइटम्स यूज़ कर सकते हैं और तो और थ्रोएबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको गैस का डैमेज बिल्कुल नहीं पड़ेगा अनलेस एंड अंटिल आप ऊपर बनी छत से थोड़ा सा बाहर चले जाते हैं। अगर आप बाहर चले जाते हैं तो आपको गैस का डैमेज पड़ना शुरू हो जाता है, वापस अंदर आ जाते हैं गैस का डैमेज पड़ना बंद हो जाएगा। यहाँ तक कि ज़ॉम्बीज़ भी आपके घर के अंदर आके बस झुंड में आके खड़े रहेंगे, आपको कोई डैमेज नहीं दे पाएंगे और आपको टच तक नहीं कर पाएंगे अनलेस एंड अनटिल आप ज़ॉम्बीज़ को बहुत सडन मूव्स देते हैं, जैसे कि आप जंप कर रहे हैं, क्राउच डाउन क्राउच अप कर रहे हैं, बहुत सारी फायर्स कर रहे हैं, तो जंपर्स और एसिड स्पिटर्स से आपको हमला कर सकते हैं और आपको भागने का कोई चांस नहीं मिलेगा। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर आके बस क्राउच डाउन करके बैठे रहिए और यहाँ पर आप तीनों के तीनों नाइट सर्वाइव कर सकते हैं इफ़ सर्कल्स ऑन यू, और ये ऊपर वाली छत आपको गैस से बचाएगी। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ जो है पोचिंग की में अलग स्पॉट पर। अभी चलेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो ट्रिक कि कैसे करना है उस ट्रिक को यूज़। तो गाइस ज़ॉम्बी नाइट को सर्वाइव करने की जो सेकंड ट्रिक है वो है पोचिंग की बाहर इस ट्रक पर। ट्रक पर आपको जंप करना है, जंप करने के बाद आपको इस कपलिंग के एंड तक आके एंड वाले गड्ढे में बैठ जाना है। इस कपलिंग में बैठने के बाद कोई भी ज़ॉम्बी आपको टच नहीं कर सकता, डैमेज देना तो दूर की बात। ये देखिए मोटा मेरे सामने है, खड़ा है, लेकिन ये मुझे कुछ नहीं कर रहा, ये मुझ तक पहुंच नहीं पा रहा। इसे मालूम है मैं यहाँ पर बैठा हूँ लेकिन ये मुझ तक पहुंच नहीं पा रहा। ये देखिए मैं इसे 2-3 शॉट्स भी मारा लेकिन ये मुझ तक पहुंच नहीं पा रहा, इसका नाइफ यहाँ तक पहुंच नहीं पा रहा क्योंकि ये बीच में कपलिंग आ रही है। ऐसे ही बाकी के ज़ॉम्बीज़ भी आप तक नहीं पहुंच पाएंगे अनलेस एंड अनटिल यू गिव देम अ वेरी सडन मूव्स लाइक यू आर फायरिंग और आप बहुत ज़्यादा जंप या क्राउच अप क्राउच डाउन कर रहे हैं, तो जंपर्स और स्पिटर्स आप पे असल्ट कर सकते हैं, फिर आपके लिए हल्की सी दिक्कत वाली बात हो जाएगी, आप मर सकते हैं इसमें। तो मैं कहूँगा कि बस क्राउच डाउन करके बैठे रहिए और कोई भी ज़ॉम्बी आपको टच नहीं कर पाएगा, आप आराम से नाइट सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये थी दूसरी ट्रिक ज़ॉम्बी नाइट को सर्वाइव करने के लिए। पहली थी मिस्ट्री हाउस इन पोचिंग की, सेकेंड वॉज ट्रक इन पोचिंग की, और अब चलते हैं हमारी थर्ड ट्रिक की ओर जो है स्कूल में। गाइस जो थर्ड ट्रिक है ज़ॉम्बी नाइट को सर्वाइव करने के लिए वो है स्कूल के पीछे इस ट्रक पर। ट्रक के ऊपर आपको कूद जाना है, कूद के आपको कपलिंग के एंड में आके क्राउच करना है। क्राउच करने से आप ट्रक के कपलिंग के अंदर चले जाते हैं जिससे कि कोई भी ज़ॉम्बी आपको देख नहीं पाता। अगर आप नाइट से थोड़ा सा पहले इस कपलिंग में आके बैठ जाते हैं तो आपको यकीनन मैं कह सकता हूँ कि कोई भी ज़ॉम्बी देखेगा तक नहीं। कोई भी ज़ॉम्बी जो स्पॉन हो रहा है आसपास वो आप पर ज़रा भी ध्यान नहीं देगा, आपके अपोनेंट को ही जाके मारेगा क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि आप यहाँ पर बैठे हो। लेकिन यहाँ पर बैठे बैठे आप अपनी गन यूज़ कर सकते हो, ज़ॉम्बीज़ को मार सकते हो, यहाँ तक कि आप नेड्स और हील्स भी यूज़ कर सकते हो अपने आप को बूस्टअप रखने के लिए। और यहाँ पर बैठे बैठे आपको कोई भी गैस का डैमेज नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके ऊपर एक हल्की सी रीफ बनी हुई है जो आपको अभी दिखाई देगी, और यहाँ पर स्पॉन होने वाला हर एक ज़ॉम्बी आपके अपोनेंट पर ही जाएगा, आपके ऊपर ज़रा भी नहीं आएगा, यहाँ तक कि लिकर एसिड स्पिटर और जंपर तक आपको ध्यान नहीं देंगे, आपको कोई डैमेज दे देंगे। तो आपको बस इतना करना है, यहाँ पर क्राउच डाउन करके बैठे रहना है, कोई सडन मूव्स नहीं देने, जैसे कि बहुत ज़्यादा क्राउच अप क्राउच डाउन कर रहे हैं आप तो वो नहीं करना है, और ज़्यादातर गन को अवॉइड करिए अब जब तक वो एक नेसेसिटी ना हो कि आपके आसपास कोई एनिमी है। ये देखिए ये जो छत थी इस छत से आप गैस से बच रहे हैं, तो बस आप इसी तरह से पूरी नाइट सर्वाइव कर सकते हैं। और चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। तो गाइज जो अगली ट्रिक है ज़ॉम्बी नाइट को सर्वाइव करने के लिए वो है रोज़ॉक ब्रिज पर। रोज़ॉक ब्रिज के पानी में आपको आके कूद जाना है, कूदने के बाद ये जो रोज़ॉक ब्रिज के डायगनल से पिलर बने हैं आपको इन पिलर पर चढ़ जाना है। पिलर पर चढ़ने के बाद कोई भी ज़ॉम्बी आपको डिटेक्ट नहीं कर पाता, डिटेक्ट कर भी लिया तो आप तक पहुँच नहीं पाता क्योंकि ज़ॉम्बीज तैरना नहीं जानते। तो यहाँ पर आप आके आपकी गन यूज़ कर सकते हैं, गन रीलोड कर सकते हैं, हीलिंग यूज़ कर सकते हैं, यहाँ तक कि थ्रोएबल्स भी यूज़ कर सकते हैं, और आपका पूरा स्क्वाड यहाँ पे सेफ एंड साउंड रहेगा विदाउट टेकिंग एनी डैमेज। तो आपको बस इतना करना है, सडन मूव्स नहीं देने वरना जंपर्स और एसिड स्पिटर्स आप पे असल्ट कर देंगे, और आपको बस यहाँ पे क्राउच डाउन करके ज़ॉम्बीज़ की वाट लगानी है। और यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर आप प्रोन कर सकते हैं, जहाँ पर प्रोन करने के बाद कोई भी ज़ॉम्बी आपको डिटेक्ट नहीं कर पाता, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों होता है लेकिन वो नहीं कर पाते, तो आप यहाँ पर प्रोन करके आराम से पूरी ज़ॉम्बी नाइट काट सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी डैमेज।
तो ये थी रोजॉक ब्रिज की ट्रिक जो आपको रोजॉक स्पॉन में बहुत काम आएगी। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रिक की ओर जो है वाटर सिटी में, जो आपको बहुत फैमिलियर लगेगी और आप सोचेंगे कि क्या ट्रिक बता दी आपने। तो गाइज वाटर सिटी में जॉम्बी नाइट सर्वाइव करने के लिए जो ट्रिक है वो इस मिस्ट्री हाउस में, जो मैंने मार्क कर दिया मैप पर जिससे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कहाँ पर है। आपको इस मिस्ट्री हाउस में सेम स्टेप फॉलो करना है जो मैंने आपको बताए थे पोचिंग की मिस्ट्री हाउस में। तो आपको फर्स्ट फ्लोर पे आना है, फर्स्ट फ्लोर पे आके आपको इस विंडो से बाहर जंप करना है। विंडो से बाहर जंप करने के बाद आपको ऐसे एंगल में बैठना है कि आपके ऊपर जो छत बनी वो एग्जैक्टली आपके सर के ऊपर हो, जिससे कि आपको गैस का डैमेज बिल्कुल ना पड़े। जैसे ही आप थोड़े से बाहर की ओर जाते हैं तब गैस का डैमेज आपको पड़ना शुरू हो जाता है, और जैसे ही आप वापस अंदर आ जाते हैं तो गैस का डैमेज पड़ना बंद हो जाएगा। जॉम्बीज़ की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जॉम्बीज़ भी आपके साइड में आके झुंड में खड़े रहेंगे। सिर्फ दो स्पीटर का आपको सामना करना पड़ सकता है जिसे आप UMP से आराम से निकाल सकते हैं। तो आपको बस इतना करना है कि यहाँ पर क्राउजन करके बैठे रहना है, कोई सडन मूव्स नहीं देने। और ये ट्रिक आपको बहुत काम आएगी जब आपका स्पॉन होगा वाटर सिटी, जो ऑलमोस्ट एवरी टाइम होता है वाटर सिटी, रोजॉक स्कूल और आई गेस इट्स पोचिंग की में। तो नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है बहुत इंपॉर्टेंट और आप उसको ऑलमोस्ट इन एवरी गेम यूज़ करेंगे। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रिक की ओर जो है आज की लास्ट ट्रिक। तो गाइज अब हम बात करते हैं हमारी लास्ट ट्रिक की जो है इस ट्रिपल स्टोरी में, जो है RPD स्पॉन के एग्जैक्ट सामने। तो बस आपको इस ट्रिपल स्टोरी के फर्स्ट फ्लोर पे आना है, फर्स्ट फ्लोर पे आके आपको इस वाली विंडो से बाहर जंप करना है। बाहर जंप करने के बाद आप इस पतरे जैसी चीज़ पर लैंड करते हैं और आपके ऊपर भी एक शेड टाइप बनी हुई है जिसके कारण आप गैस का डैमेज बिल्कुल नहीं खाते। और तो और यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ जैसे लिकर, एसिड स्पिटर, जंपर और तो और मोटे भी कोई दिक्कत नहीं देते आपको, आप पूरी तरह से सेफ एंड साउंड है। यहाँ पर आप आपके पूरे दो या तीन लोग आराम से बैठ के ज़ॉम्बी नाइट सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि इस पतरे पर इतनी जगह तो है कि ये तीन लोगों को अकोमोडेट कर पाए। तो आपको बस इतना करना है कि कोई खास सडन मूव्स नहीं देने, और मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर सडन मूव्स देने से कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर लिकर और एसिड स्पिटर और तो और जंपर भी दिक्कत नहीं देते। तो आप यहाँ से आराम से हर एक ज़ॉम्बीज़ को टेकआउट कर सकते हैं और पूरी नाइट सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्कल हमेशा एंड होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये बिल्डिंग सर्कल के बाहर है, तो आप पूरे तीन नाइट या इस बिल्डिंग पर आके बैठ के सर्वाइव कर सकते हैं। ये वो छत है जिसके कि आप गैस का डैमेज नहीं खा रहे, और आपको बस यहाँ पर क्राउच डाउन करके बैठे रहना है जिससे कि आप आराम से ज़ॉम्बी नाइट सर्वाइव कर पाए। सो हे गाइस, अगर आपको इस वीडियो की ट्रिक्स पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें अपने दोस्तों से ताकि उन्हें भी मौका मिले ज़ॉम्बी डार्केस्ट नाइट सर्वाइव करने के यूजिंग दीज ट्रिक्स। और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इनमें से कौन सी ट्रिक्स आपको पहले से पता थी और कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें इन ट्रिक्स से हेल्प मिली है। सो दैट बींग सेड, आई विल टेक योर लीव गाइस एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल क्राइम गेमिंग।